नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीनियर बाय की ओर से आने वाले न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। पीनियर बाय रिटेलर्स के लिए आने वाले एक बिग गुड न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पीनियर बाय कंपनी का टाइप येस बैंक के साथ है और येस बैंक पर जो प्रॉब्लम हुआ था, येस बैंक के अभी टाइम पर जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो RBI ने येस बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, तो कल की डेट में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था। मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस पर मैंने आपको बोला था कि जो येस बैंक है उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वह रेस्ट्रिक्शंस 18 तारीख को 6 बजे के बाद में रेस्ट्रिक्शंस पूरे विड्रॉल हो जाएंगे, पूरे वापस लिए जाएंगे और जो पहले बिजनेस चल रहा था येस बैंक का, तो उसी तरीके से पूरा बिजनेस 6 बजे के बाद में 18 मार्च को पूरी तरीके से चलने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो पीनियर बाय कंपनी है उसका पैसा येस बैंक के पास सेटलमेंट का फंसा हुआ था। जो भी पीनियर बाइक के रिटेलर से उन्होंने 5 से 6 तारीख को जो विड्रॉल किया था, तो वह पैसा सेटलमेंट का पूरा पैसा येस बैंक के पास फंसा हुआ था और येस बैंक पर कुछ RBI ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो वह रेस्ट्रिक्शंस 18 मार्च 6 बजे के बाद में विड्रॉल करने का यहाँ पर जो तो RBI की ओर से जो मीटिंग हुआ था तो उसमें बात हुआ था। तो जैसे ही कल की डेट में मतलब कि 18 मार्च को 6 बजे के बाद में रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए येस बैंक से, तो वो पूरा पैसा जो भी येस बैंक का जो भी पूरा पैसा था, तो वो पूरा पैसा येस बैंक के पास आ गया। मतलब कि कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI ने उस बैंक के शेयर्स यहाँ पर जो तो परचेस किए और उसके पास फिर से कुछ पैसा यहाँ पर जो तो आ गया। तो जिन भी कंपनीज का येस बैंक के पास पैसा फंसा हुआ था, जैसे कि पीनियर बाय कंपनी का पूरा पैसा रिटेलर्स का सेटलमेंट का फंसा हुआ था, तो जैसे ही शाम को 18 मार्च को 6 बजे के बाद में यहां पर जो तो टाइम हुआ, तो पीनियर बाय कंपनी की ओर से पीनियर बाय के ऐप में एक नोटिफिकेशन आया और उसमें आपको बताया गया है कि जो भी रिटेलर्स ने 6 मार्च के पहले का AEPS का बिजनेस किया है, तो उस पैसे को आप सेटलमेंट कर सकते हैं, मूव टू बैंक कर सकते हैं। तो यहां पर साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा जिसमें कि आपको बताया गया है पीनियर बाय की ओर से जो एक नोटिफिकेशन आया ऐप में, उसमें बताया जा रहा है कि आपने जो 6 मार्च के पहले AEPS का बिजनेस किया है, तो उस बिजनेस को आप मोटू बैंक सेटलमेंट कर सकते हैं, आपके अकाउंट में ले सकते हैं। तो यह स्क्रीनशॉट 18 मार्च का है और यह स्क्रीनशॉट शाम के 6 बजे के बाद में का है। तो यह एक गुड न्यूज आ रहा है पीनियर बाइक के रिटेलर्स के लिए कि पीनियर बाइक के रिटेलर्स ने 6 मार्च के पहले का जितना भी AEPS का बिजनेस किया है, जितना भी पैसा पीनियर बाइक के रिटेलर्स का वहां पर पीनियर बाइक ऐप में फंसा हुआ है, तो उस पैसे को अभी के टाइम पर आप सेटलमेंट कर सकते हैं, मोटू बैंक कर सकते हैं और आपके पर्सनल अकाउंट में उस पैसे को ले सकते हो। और साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, इसका यह एक प्रूफ है। यह मेरा एक रिटेलर है जिसका कि पीनियर बाय का एक रिटेलर का आईडी उनके पास है और उनका भी पीनियर बाय के पास 9,300 रुपए फंसा हुआ था और जैसे ही उनको यह न्यूज पता चला तो उन्होंने 18 मार्च को ही 9,300 रुपए सेटलमेंट कर दिया, मोटू बैंक कर दिया और उनके बैंक अकाउंट में 9,300 रुपए क्रेडिट भी कर दिया गया है। तो यह एक गुड न्यूज है पीनियर बाइक के रिटेलर्स के लिए। यह एक पीनियर बाइक की ओर से आने वाला एक न्यू अपडेट है कि जो भी आपका 6 तारीख के पहले का AEPS का पैसा है जो फंसा हुआ है आपका पेंडिंग में, तो उस पैसे को आप मोटू बैंक कर सकते हो। जो पैसा आपका पेंडिंग में है मोटू बैंक का, तो वो पैसा अभी तक क्लियर होकर आपके बैंक अकाउंट में आ गया होगा। तो यही एक आज का लेटेस्ट अपडेट है पीनियर बाइक कंपनी की ओर से आने वाला। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पीनियर बाइक कंपनी की ओर से आने वाले न्यू अपडेट के बारे में बताया है, पीनियर बाइक की ओर से रिटेलर्स के लिए आने वाले एक गुड न्यूज के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।